Hello friends and welcome back to the Aquarist World. And today's video topic is how we can treat cloud AI of our fish. तो इस वाली वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपनी फिश की अपन cloud AI कैसे ठीक कर सकते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलें. तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको वो पता है कि हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं. तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूँ आप सभी को कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं हमारे चैनल पर आज. तो फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और जो नेक्स्ट चेक पॉइंट है वो 5K सब्सक्राइबर्स का है, तो वो भी अचीव करवाने में मेरी हेल्प करिए. शेयर कर दीजिए सारी वीडियोस मेरी, जितने हॉबिस्टों को आप जानते हैं सब में शेयर कर दीजिए और जल्दी से ग्रो करने में हेल्प करिए फ्रेंड्स. और सच में बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैं आप सभी को सपोर्ट के लिए जो आपने इतने जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवा दिए हैं. सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच. तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है वाली मैं जब फिश लाया था तो उसमें मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जिसमें मैंने इसके होल इन दी हेड की डिजीज़ का क्योर बताया था, उसमें बताया था इसको और भी डिजीज़ थी जो कि हैं इसमें कुल क्लाउडी आई थी, बहुत ज़्यादा क्लाउडी आई थी इसकी. एक आई ऑलमोस्ट मतलब विजिबल थी नहीं, बिल्कुल एकदम वाइट कलर का पूरा पैच टाइप था वहाँ पर, मैं आपको दिखाऊँगा अभी थोड़ी देर में. और इसमें इसके फिन रोड्स भी थे और इसमें वाइट पैच भी थे इसके बॉडी पर, और इसके होल इन दी हेड की तो मैं ऑलरेडी बना ही चुका हूँ. तो जो इसके फिन रोड्स और जो उसकी है होल इन दी हेड और उसकी जो क्लाउडी आई है वो 98% ठीक हो चुकी है, और जो क्लाउडी आई है वो 100% ठीक हो चुकी है. सिर्फ थोड़े से फिन रॉड्स बचे हैं और बहुत हल्के से अपने होल इन दी हेड बचे हैं, तो वो भी क्योर हो ही जाएंगे बहुत जल्दी क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो रही है वो. और जो उसका पैच है वो शायद बर्थ मार्क है इसका, इसलिए वो शायद क्योर नहीं हो रहा है. अगर उसमें कलर आएगा तो अबाउट 6 मंथ्स लगेंगे अगर वो बर्थ मार्क नहीं है उसका कलर आने में. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इसकी क्लाउडी आई के ऊपर होने वाली है और इसके होल इन दी हेड्स की भी मैं आपको दिखाऊंगा क्लिप्स. क्यों क्या हुआ था जब मैं वाली फिश लाया था, जब मैंने इसको ट्रीटमेंट के लिए रखा था तो मैंने इसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना ली थी बीच बीच में अबाउट 2 से 3 दिन के गैप में, और इसको मैं अबाउट 1 से इसको ट्रीट कर रहा हूँ. तो वो सारी क्लिप्स मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखाऊंगा एंड में, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियोस, आप देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस है उसके जब जिस दिन मैं लाया था और आज मैं उसकी कंडीशन में, कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया उसकी आई और होल इन दी हेड्स में, उसके फिन रॉड्स में भी. तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लाउडी आई होती क्यों अपनी फिशेज़ में. क्लाउडी आई को होने का सबसे मेन रीज़न होता है पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर. जो वाटर होता है उसकी बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशंस की वजह से क्लाउडी आई होती है अपने फिशेज़ में. और जब पीएच लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है, अबाउट 6.4 से भी नीचे चला जाता है पीएच वैल्यू अपने एक्वेरियम के वाटर की, तब भी क्लाउडी आई हो जाती है. और डेफिशिएंसी हो जाती है जब फिशेज़ में विटामिन ए की, तब भी क्लाउडी आई हो जाती है क्योंकि विटामिन ए फिशेज़ की आई के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई अपनी फिश में तो क्लाउडी आई हो जाती है अपनी फिशेज़ में. तो अब बात कर लेते हैं इसको अपन ट्रीट कैसे कर सकते हैं क्लाउडी आई. क्लाउडी आई ट्रीट करने के लिए आपको सिंपली एक अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करनी रहेगी, और उसके बाद आपको अबाउट 3 दिन के गैप में आपको वाटर चेंजेस करने पड़ेंगे और अपने एक्वेरियम में सॉल्ट भी ऐड करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स एक अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन के लिए आप टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं 500 mg, जिसको आपको हर 50 लीटर्स ऑफ वाटर में एक कैप्सूल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने एक्वेरियम के पानी में. और उसके बाद स्टेप आता है रॉक सॉल्ट इंट्रोड्यूस करने का, वो आपको हर 10 लीटर्स ऑफ वाटर में 1 टेबल स्पून रॉक सॉल्ट इंट्रोड्यूस करना है. और उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है टेम्परेचर मेंटेन करने का. आपको 30 to 32 degrees Celsius तक अपने एक्वेरियम का वाटर को टेम्परेचर मेंटेन करना रहे, और ये थ्रू आउट करना है जब तक वो फिश पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती उसकी क्लाउडी है, वो तब तक पूरा करना है जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है. और उसके बाद जो एक प्रोसेस आता है वो ये होता है कि आपको हर 3 दिन के गैप में 50% ऑफ वाटर चेंज करना होता है अपने फिश का, और सेम रेशियो में आपको मेडिसिन और रॉक सॉल्ट डालना पड़ता है अपने एक्वेरियम में. और अबाउट 2 हफ्ते तक तो आप सेम रेशियो में डालेंगे मेडिसिन और रॉक सॉल्ट, और उसके बाद जैसे 3रा हफ्ता लगेगा उसके बाद आप जब भी 3 दिन के गैप में वाटर चेंज करेंगे तो आपको मेडिसिन का अमाउंट धीरे धीरे कम करना होगा अपने टैंक में, टैंक के वाटर में. और अबाउट 3 to 4 वीक्स में आपका जो एक्वेरियम का वाटर होगा वो मेडिसिन फ्री होना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपका 3 से 4 हफ्तों में आपकी जो फिश की आई है वो ऑलमोस्ट 100% ठीक हो चुकी होगी. और जो मेरा ऑस्कर का है, ये वाली जो मेरी ऑस्कर है इसकी जो आई थी उसका केस बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत ज़्यादा सीरियस सा केस था, ऐसा लग रहा था कि इसकी शायद आई डैमेज है, ये अंधी है, लेकिन 50-50 सा लग रहा था क्लाउडी आई और डैमेज आई में. तो मैंने इसको एक चांस दिया, मैंने इसको ट्रीट किया, और इसको अभी 4 हफ्ते हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है, अबाउट 100% ठीक हो चुकी है इसकी आई. जिसके होल इन दी हेड थे वो भी अबाउट 98% ठीक हो चुके हैं, जिसके फिन रॉड थे वो भी 98% ठीक हो चुके हैं, और जिसमें वाइट पैच था वो शायद इसका बर्थ मार्क है, या तो फिर उसमें हल्के हल्के से वैसे मुझे कलर दिख रहे हैं, हो सकता है कि उसके 6 महीने 4 से 6 महीने के बीच में उसके कलर आ जाएं, लेकिन उसको उन कलर को आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा.
तो चलिए इसकी जो वाली जो मैंने क्लिप्स शूट करी थी वो आपको दिखाता हूँ। हर मैंने हर हफ्ते तीन तीन दिन के गैप में जब भी मैं वाटर चेंज करता था तब मैं इसकी क्लिप शूट कर लेता था इसके ट्रीटमेंट के प्रोग्रेस दिखाने के लिए आपको कि जब मैं लाया था तब कैसी हो और धीरे 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 कैसे इसने प्रोग्रेस करके कैसे अब प्रेजेंट में कैसी है। जब मैं लाया था तब तो इसकी जो कंडीशन थी बहुत बेकार थी, लेकिन अब जो इसकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो चुकी है और ऑलमोस्ट ठीक होने ही वाली, अबाउट 1 वीक में ये 100% ठीक हो जाएगी पूरी। और इसको फिर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एरवाना के टैंक या तो कम्युनिटी टैंक, देखते हैं किसमें करते हैं, और उसकी वीडियो अलग से आएगी, इसकी शिफ्टिंग की वीडियो, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे टैंक में, तो उसको देखने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अभी दिखाते हैं मैं आपको वो वाली क्लिप्स जो मैंने शूट करी थी इसकी। तो मुझे इस फिश को ट्रीट करे हुए 3 दिन हो चुके हैं, तो आज इसका अपन इसका 50% वाटर चेंज करेंगे और इसमें और मेडिसिन थोड़ी ऐड करेंगे उसके बाद, और सॉल्ट भी। अब इसमें अपन मेडिसिन ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे, रॉक सॉल्ट। सबसे पहले फ्लाइगल 400 ऐड करूंगा मैं इसमें, ये इसके होल इन दी हेड के लिए है, और ये सीप्लॉक्स ऐड करूंगा, ये सीप्लॉक्स है, ये सीप्लॉक्स ऐड करूंगा। वैसे तो टेट्रासाइक्लिन ऐड करनी थी लेकिन मेरे अवेलेबल नहीं है अभी टेट्रासाइक्लिन लॉकडाउन की वजह से, तो अभी ये ऐड करूंगा, इसका सब्स्टिट्यूट है ये। इसमें मैं 50 ग्राम सॉल्ट ऐड करूंगा रॉक सॉल्ट, तो अपने 3 दिन हो चुके हैं और इसका अपन फिर से पानी चेंज करने वाले हैं। इसकी जो आई है अपनी, इसकी जो फिश की आई है वो अबाउट 80% तक ठीक हो गई है पहले के कंपैरिजन में, और जो उसके होलंदी हेड है वो भी भरने लगे हैं धीरे धीरे, वो भी भर जाएंगे, और फिनरॉट भी ठीक होने लगा है। इसको अबाउट 1 वीक में ये मेरे ख्याल से पूरी ठीक हो जाएगी, अब 1 वीक या 2 वीक लगेगा वैसे बस ठीक होने में। चलिए इसका पानी चेंज करते हैं, उसमें ओवर एड करते हैं मेडिसिन। मुझे अभी ये टेट्रासाइक्लिन मिल गई है मेडिसिन, तो मैं ये ऐड करने वाला हूँ क्योंकि पिछली बार मुझे नहीं मिली थी, तो मैं ये ऐड करूँगा अपने टैंक में और फ्लाइगिल 400 ऐड करूँगा।
टेट्रासाइक्लिन अकेली हाफ ऐड करेंगे अपन, इसको ऐड करने के लिए अपन को इसको ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन करके कुछ ऐसी दिखेगी, इसको बस हाफ ऐड करेंगे अपन। तो इसमें जो है हाफ बची हुई है, तो इसमें आप ये वाला कैप वापस इसमें लगा दीजिए, ये आपके नेक्स्ट टाइम में काम आ जाएगी। इसको वापस उसी में पैक कर देंगे अपन। अब इसमें फ्लाइगल 400 डालते हैं। फ्लाइगल 400 भी अपन को आधी डालनी है बस, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे हाथ से अपन। तो ये देख सकते हैं ये टूट गई, इसकी बस हाफ यूज करनी है अपन को, हाफ वापस रख देंगे अपन, क्योंकि अपनी जो फिश है वो हील होने लगी है, तो मेडिसिन की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है। और अब जब टेट्रासाइक्लिन यूज करेंगे अपने एक्वेरियम में, तो आपका जो वाटर होगा वो थोड़ा येलोइश ब्राउन सा हो जाएगा, और जो पानी के ऊपर जब आप फिल्टर वगैरह चलाएंगे तो बहुत ज्यादा झाग सा बनेगा ऊपर पानी के, तो डरिए नहीं, वो नॉर्मल होता है, वो मेडिसिन की वजह से होता है। तो चलिए इसमें अपन सॉल्ट डालते हैं, अबाउट 30-40 ग्राम सॉल्ट डालते हैं इसमें, रॉक सॉल्ट डालना है। और आप मिक्स कर लीजिए, जो हीटर से अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर हो वो 28-30 डिग्री के ऊपर ना पहुंचे, तो उसको रेगुलरली थर्मामीटर से, कोई भी थर्मामीटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये मरकरी वाला थर्मामीटर है, या तो आप जो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये वाला है, तो आप इलेक्ट्रिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। चेक करते रहिए बस बीच बीच में कि उसका कहीं टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये हीटर में क्या होता है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं पानी का। अब देख सकते हैं इसके जो होल हैं वो हील हो रहे हैं, और उसकी जो आई है वो भी हील हो रही है, कितनी अबाउट 80% तक तो हील हो गई है, जरा सी बची है बस। देख सकते हैं आई कितनी ज़्यादा हील हो गई है पहले के कंपैरिजन में। होल इन दी हेड भी ठीक हो रहा है, फिन रॉट भी इसका ठीक हो रहा है। तो इस ऑस्कर को ट्रीट करते हुए फिर से 3 दिन हो चुके हैं, और आज भी अपना वाटर चेंज का दिन है, और उसमें और थोड़ी मेडिसिन ऐड करेंगे अपन। और जो इसकी जो आई है वो ऑलमोस्ट 98% ठीक हो चुकी है, सिर्फ 2% ही बची है, बहुत ज़रा सा बचा है उसको ठीक होने में। और जो इसकी होलिंदी हेड है वो भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो उसका फ्लैश होता है होलिंदी हेड का, उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अबाउट 3-4 months लग जाते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो होलिंदी हेड्स की डिजीज़ थी वो तो ठीक हो गई है, क्योंकि और ज़्यादा होल नहीं बने उसके हेड पर। और जो उसके फिनरोड्स थे पीछे से, तो वो भी ठीक हो चुके हैं बिल्कुल, वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हील होना स्टार्ट हो गया है, और उसको भी हील होने में अबाउट 1-2 months लगेंगे। तो ये जो ऑस्कर है ये अपनी एकदम पूरी ठीक हो चुकी है। और जो इसका व्हाइट पेस्ट था ये शायद इसका बर्थ मार्क ही है ऐसा, तो इस, क्योंकि इसमें कलर नहीं आ रहा हो, ये पूरी तरीके से हील भी हो चुका है, मैंने पूरा अच्छे से देखा है उसको बाहर निकाल के, ये शायद इसका बर्थ मार्क है। तो अपनी वाली ऑस्कर पूरी ट्रीट हो चुकी है, इसको ये मैं लास्ट बार इसमें मेडिसिन ऐड कर रहा हूँ आज, और लास्ट बार ही इसको कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा अपने किसी टैंक में। तो चलिए वाटर चेंज करते हैं इसका। ये अपना लास्ट टाइम था जब अपने इसमें मेडिसिन ऐड करी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको अपन अपने दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अली ऑस्कर पूरी तरीके से क्योर हो चुकी है, सिर्फ जरा सी बची है, वो 1 हफ्ते में अबाउट हो जाएगी क्योर। आप देख सकते हैं इसकी जो आई है वो अबाउट 98% तक ठीक हो चुकी है पहले के कंपेरिजन में। इसकी जो टेल रॉड थी वो भी ठीक हो रही है धीरे धीरे, होल इन दी हेड भी ठीक हो जाएंगे। होल इन दी हेड का जो फ्लैश होता है उसको आने में अबाउट 4 months लगते हैं, लेकिन इसके होल इन दी हेड की डिजीज ठीक हो चुकी है, क्योंकि इसमें और ज्यादा होल नहीं हुए हैं इसके हेड पे। ये वाली जो आई आप देख रहे हैं यही थी इसकी क्लाउडी आई, और अब आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 100% ठीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा 0.2% ही बोलेंगे इसको, बहुत ज़्यादा माइनर सा ही हल्का सा रह रहा है, लेकिन ये अभी 100% ठीक हो चुकी है अबाउट।
और अभी हो जाएगी, एक हफ्ते और रखूंगा मैं इस वाले टैंक में शिफ्ट करने से पहले। और उसके होल इन दी हेड की प्रोग्रेस दिखाता हूँ आपको। होल इन दी हेड, देख सकते हैं ये जो होल्स हैं, जो उसके होल्स हुए थे अंदर तक, वो फिल हो गए हैं और धीरे धीरे इनमें फ्लैश आना चालू हो रहा है। ऊपर भी ये पूरा फिल हो गया, ये एकदम होल था अंदर तक, पूरा दिख रहा था। ये वाले भी जो होल्स थे इस साइड, ये तो ऑलमोस्ट ठीक हो ही गए हैं, अबाउट 1% ही बचा है। आप देख सकते हैं जो उसके फिन रॉट हैं वो भी ऑलमोस्ट ठीक हो ही गए हैं। जो रेड वेंस दिख रही थी इसके फिन रॉट्स में वो नहीं दिख रही हैं, और जो फिन रॉट्स थे वो भी वापस आना स्टार्ट हो गए हैं, रीग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं, फिर से हील हो रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से। ये भी ऑलमोस्ट 1 वीक में पूरे ही ठीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा माइनर से बचे हैं। और जो उसका वाइट पैच है, और ये देख सकते हैं आप, ये इसका वाइट पैच है, उसमें हल्के हल्के से कलर्स से मुझे दिख रहे हैं कि आ रहे हैं, और शायद ये बर्थ मार्क भी बोल सकते हैं इसको अपन, लेकिन देखते हैं इसको अबाउट 4 से 5 मंथ्स में, देखते हैं इसको क्या होता है 6 मंथ्स में। मैं आपको अपडेट दे दूंगा इंस्टाग्राम पे अगर इसका वापस कलर आएगा तो, और मैं आपको अपडेट तो देता ही रहता हूँ, सारे अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम पे चलते हैं, तो वो सब देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलें। और फ्रेंड्स, एक और बात, बहुत बड़ा थैंक्स आप सभी को मेरे 1K सब्सक्राइबर को क्रॉस करवाने में। अपना नेक्स्ट चेक पॉइंट जो है वो 5000 का है, तो उसके लिए भी जल्दी से सारी वीडियो शेयर करिए और फैला दीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स में, जो भी हॉबीज को आप जानते हैं उसको बताइए मेरे चैनल के बारे में, और 5K को क्रॉस करवाने में लिए हेल्प करिए। सो फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिए, वहाँ पे मेरे 2 पेजेस हैं, एक एक्यूरिस्ट वर्ल्ड नाम का है, एक प्रवेश से नाम का है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरी वीडियोज़ जाके देखिए और मेरी वीडियो शेयर करिए, ये वाली वीडियो भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।